नमस्कार, YouTube ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके समक्ष में वीडियो में खास बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देने वाला हूं, और वो है सूचना द्वारे सरकार के ऊपर में। द्वारे सरकार पूरे पश्चिम बंगाल में यह योजना के बारे में चर्चा हो रही है, और इस चर्चा में होने के बाद लोगों तक सही जानकारी, जैसे कि खासकर हम हिंदी भाषा भाषी हो गए, उनके लिए ऐसा कोई उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि इसमें क्या क्या हमारी बेनिफिट्स है, क्या क्या हमारे लाभ मिलेंगे। आइए मैं आपको विस्तार से संक्षिप्त इस वीडियो के द्वारा बतला देता हूं कि आप इससे क्या क्या लाभ ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या क्या करना है, और क्या आपको प्रोसेस के लिए तैयार रहना है। आइए जानते हैं प्रत्येक द्वारे सरकार की स्कीम के द्वारा, और ख़ासकर इस द्वारे सरकार जो स्कीम है, आप जो ऑफिस में जाते थे, जैसे कि म्यूनिसपैलिटीज़ में, कॉरपोरेशंस में, या आप अपना कोई वीडियो SDO किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते थे और आपको कागज़ बनाने के लिए चक्कर काटना पड़ता था, अब वो नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको नए नए स्कीम भी आए हैं जिसका लाभ आप ले सकते हैं। चलिए क्या क्या स्कीम है संक्षिप्त में जानते हैं। पहला बात करते हैं लक्ष्मी भंडार के बारे में। लक्ष्मी भंडार स्कीम के जरिए जो महिलाएँ SC ST और जनरल की हैं, और किसी सरकारी संस्था, सरकारी डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं, अस्थाई नौकरी नहीं है, उन प्रकार की महिलाओं को यह स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। SC ST हुए हैं तो आपको 500 रुपये मिलेंगे, और वहीं अगर जनरल कास्ट के हैं तो आपको, माफ करिए, SC ST है तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे, और जनरल कास्ट है तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। और इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत डॉक्यूमेंट्स में लगेगी, आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होना चाहिए, आधार कार्ड का फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, SC ST अगर आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, और आपका पासबुक का फोटोकॉपी बैंक ठिकाना के साथ होना चाहिए, जिसमें IFC कोड, MICR कोड होता है वो, और आप जो एप्लीकेंट है उनके लिए पासपोर्ट साइज का फ़ोटो रंगीन होना चाहिए। और क्या शर्त रखा गया है, वही कि जो पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं, और जो सरकारी या सरकारी नियंत्रित संस्था या किसी स्थायी नौकरी में है, तो सरकारी संस्था में, तो वो आवेदन के योग्य नहीं है। आपको योगाजोग करने के लिए द्वारे सरकार कैंप जो लग रही है उसमें आप कर सकते हैं, या तो आप जो वेबसाइट दिया गया है www.wbcdwdsw.gov.in पर आप जा सकते हैं। आगे स्कीम के बारे में जानते हैं। बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना श्रम दफ्तर के द्वारा ये है, और इस योजना के जरिए आप जो कामकाज करने वाले मजदूर हो गए, कोई निम्न वर्ग के काम करते हैं, जैसे कि आपका सिलाई बुनाई का हो गया, राजमिस्त्री का काम हो गया, इस प्रकार की योजना से लाभ ले सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको कुछ रुपए देना पड़ता है, और जिसके बदले आपको सरकार भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड बनाकर आपको दिया जाता है, और काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट के साथ। इसके लिए आपको जो इस प्रकल्प का पासबुक है और सामाजिक मुक्ति कार्ड वो चाहिए, और उसके बाद आपको जो और उस पर उसका पासबुक और सामाजिक मुक्ति कार्ड का जेरोक्स कॉपी लेकर जाना है, एक कॉपी करके। योगाजोग स्थान जो है द्वारे सरकार है, या श्रम दफ्तर जनरल निर्धारित काउंटर और टेबल है वो। विस्तार से जानने के लिए आपको RLO डिपार्टमेंट में या पुरुषोभा श्रामिक कल्याण दफ्तर में जाकर आपको पता करना पड़ेगा। अगला स्कीम के बारे में जानते हैं। बैंक नया अकाउंट खोलने के लिए द्वारे सरकार में सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जो अभ्यर्थी लक्ष्मी भंडार, कृषक बंधु इत्यादि जो सुविधा ग्रहण करना चाहते हैं और उनके पास कोई बैंक का खाता नहीं है, तो बैंक का खाता खोलने की सुविधाएं आपको इस योजना के तहत मिल जाएगी। और इसके लिए आपको क्या करना है, KYC वेरिफिकेशन के लिए 3 कॉपी पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए रंगीन, परिचय संक्रांत प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठिकाना कोई भी, आप ये सब होना चाहिए। परिचय के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस तक जो भी इसमें से 4 में से जो भी होने से चल जाएगा, और ठिकाना के लिए पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, ये सब होने से चलेगा, या तो कंज्यूमर गैस कनेक्शन कार्ड या बिल, सरकारी अधिकारी या स्वीकृत सरकारी द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्स होने से चलेगा, बाड़ी
जो घर किनते हैं उसका दलील कॉपी होने से चल जाएगा, या 3 महीना का भाड़ा का रसीद भी चल जाएगा, और या तो जो आप जहाँ पर आप रह रहे हैं उसका प्रमाण हिसाब से नियोगकर्ता का कोई दिया हुआ सर्टिफिकेट होने से चल जाएगा। और इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर बैंक का फॉर्म फिलअप करके आपको ये बैंक अकाउंट वहाँ से खोल दिया जाएगा। अगला स्कीम क्या है देखते हैं। जय जोहार तपसीली बंधु पेंशन प्रकल्प। अनुग्रसित श्रेणी कल्याण दफ्तर एवं आदिवासी उन्नयन दफ्तर द्वारा प्रस्तुत है 1/4/2020 से जो आदिवासी मनुष्य है यानी कि ST में आते हैं और जो SC में आते हैं उनके लिए यह प्रकल्प है। जिनका उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक है उनको महीना का 1,000 रुपये दिया जाएगा पेंशन के रूप में। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपको ये शर्त भी रखा जा रहा है, शर्त में पहले जान लीजिए, आवेदनकारी को राज्य का स्थायी बसिंदा होना पड़ेगा। दूसरा है कि आवेदनकारी सरकारी या किसी अन्य कौन किसी भी रकम का सामाजिक सुरक्षा मूलक प्रकल्प से कोई भत्ता नहीं पाएंगे, और उनके नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आवेदनकारी का तफसीली जाति भुक्त व आदिवासी होना पड़ेगा यानी कि SC या ST होना पड़ेगा, और आवेदनकारी को 60 साल या 60 साल से अधिक होना पड़ेगा। क्या क्या लगेगा, पासपोर्ट साइज का माप का फोटो रहना चाहिए, डिजिटल रेशन कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट का पासबुक होना चाहिए, ठिकाना जे कोनो समस्त प्रमाण पत्र जो होता है वो होना चाहिए, और जातिगत संस्था पत्र ना थकले माने नहीं रहने पर आपको आत्मीजे जातिपत्र संस्था पत्र या पर्वती समय निजे जातिपत्र संस्था पत्र आवेदन का ही जमा देते हो, मतलब कि आपका अगर नहीं है तो किसी का रहने से उसको आप शो करके दिखा सकते हो, और बाद में अगर बना लेते हो तो दिखाकर अपना ये स्कीम ले सकते हो। जोगाजोग करने के लिए ग्रामीण इलाका का BDO ऑफिस या बोरो इलाका महकुमा शासक या कलकत्ता पूर्व कमिश्नर, ये सब जो संस्था है इनके द्वारा होगा, शासक द्वारा सरकार के द्वारा भी ये प्रकल्प शुरू है। नेक्स्ट स्कीम के बारे में जानते हैं। मानविक नारी एवं शिशु विकास और समाज कल्याण दफ्तर के द्वारा ये जो है फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए है, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी टेंशन को खत्म करने के लिए आर्थिक सहायता की जाएगी 1,000 रुपये देकर महीना का। इस कौन इस सुविधा के लिए इसका लाभ ले सकते हैं, उसका शर्त क्या है, 40% से ज़्यादा फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट होने चाहिए, और इसके साथ आवेदनकारी कम पक्ष 10 बच्चों पश्चिम बंगाल का निवास होनी चाहिए, आवेदनकारी का वयस 10 बच्चों कम होले, जन्म तारीख भित्ति धोरे वर्षावर्ष समय निर्धारित होवे। अगर आपका 10 वर्ष से कम है तो जन्म तारीख से लेकर आपका उसका गणना किया जाएगा। आवेदनकारी राज्य या केंद्र सरकार या किसी अन्य कोई भी सूत्र से कोई पेंशन ना पाता हो। क्या क्या इसके लिए ज़रूरत लगेगा, बैंक का पासबुक जिसमें IFSS कोड अकाउंट्स सह सरकारी दरकारी तथा संबंधित पिस्टान फोटोकॉपी जो होता है वो माने कि बैंक का पासबुक रहने से उसका फोटोकॉपी चाहिए, उपयुक्त कृतिपक्ष देवार प्रतिबंध उसका सर्टिफिकेट जो लगता है फिजिकल हैंडीकैप का वो होना चाहिए, तीसरा नंबर रेशन कार्ड वोटर कार्ड या आधार कार्ड होने से चलेगा, चौथा पासपोर्ट साइज है 6 आपको लगेगा। जोगाजोग करने के लिए ग्रामीण इलाका BDO ऑफिस संरक्षालय महू कुमार शासक ऑफिस कोलकाता कॉरपोरेशन इलाका जो कंट्रोल ऑफिस ब्रेग्रांसी ऑफिस पूर्त भवन ये जो जगहों पर भी आप कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट स्कीम के बारे में जानते हैं। एक एक स्कीम के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा, आप इसमें से जो जिसके लिए सूटेबल हो आप अप्लाई कर सकते हैं द्वारे सरकार के जरिए भी। ये जो स्कीम है छात्रों के लिए है, एकाश्री संख्या लघु विषयक व मदरसा शिक्षा दफ्तर के लिए है यानी OBC ए कास्ट में जो आते हैं उनके लिए है, जो मुस्लिम में आपका कैटेगरी में है। तो इसके लिए आवेदनकारी को पश्चिम बंगाल का रेसिडेंशियल होना पड़ेगा और OBC कास्ट में आते हैं, और बच्चे जो है जो प्री मैट्रिक मतलब एक प्रथम श्रेणी से लेकर 10वीं श्रेणी तक पढ़ते हैं उनको प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप मिलेगी, जो एकादश मतलब 11वीं से लेकर आपको PhD कर रहे हैं उसको पोस्ट मैट्रिक मिलेगी, और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप माने कोई वोकेशनल्स या ITI जैसे पाठ्यक्रम कर रहे हैं उसको मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप मिलेगी। और इसके लिए योग्यता क्या है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, राज्य का रेसिडेंशियल संख्या लागू में होना चाहिए यानी OBC कास्ट में आना चाहिए,
साथ साथ कोई केंद्र या राज्य सरकार की स्कूल में पाठ्यरत होनी चाहिए। दूसरा है पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए। विगत शिक्षा वर्ष परीक्षाएं अंतर पक्ष में 50% नंबर लाना पड़ेगा। 50% तक या 50 से ज़्यादा रहने से आप इसके योग्य है। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए जो है, जो वोकेशनल ITI ये कर रहे हैं उसके लिए पश्चिम बंगाल का आपका रेसिडेंशियल के साथ OBC में आना पड़ेगा और आपको कारीगरी या वित्तीमूलक पाठ्यक्रम में पढ़ाई रखना पड़ेगा, यानी कि आप वोकेशनल ITI कोई कोर्स कर रहे हैं उसमें आपको पाठ्यरत रहना पड़ेगा। उच्च माध्यमिक या स्नातक स्तर में जैसा आपका हो, कम से कम 50% नंबर रहना चाहिए। तीसरा है पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख 2.5 लाख तक आपका होना चाहिए या उससे कम होने से चलेगा। वार्षिक आय क्या क्या लगेगा? एक मोबाइल फ़ोन लगेगा जिस जो रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें आपका OTP जाएगा। विगत शिक्षा वर्ष का परीक्षा मार्कशीट लगेगा, प्रीवियस ईयर्स की मार्कशीट लगेगी, आपका बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी रहना चाहिए। और चौथा है कि शिक्षा प्रतिष्ठान जो है, ठीक है, बोनोफाइड सर्टिफिकेट होता है उसको लगेगा। केवल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए जोगाजोग करने के लिए अपना शिक्षा प्रतिष्ठान या स्थानीय ग्राम पंचायत, वीडियो ऑफिस, पुरसभा, संख्या लागू विषय का मदरसा, शिक्षा दफ्तर, जिला अधिकारी ऑफिस में भी कर सकते हैं, या तो www.wbmdfcsscholarship.in वेबसाइट पर देख सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम के बारे में जानते हैं। ये जो आपका स्कीम है स्वास्थ्य साथी, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण दफ्तर के द्वारा है। स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है बहुत ही सुंदर प्रकल्प है। इस प्रकल्प का योजना यह है कि जो पश्चिम बंगाल के निवासी हैं उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए सरकार के द्वारा 5 लाख तक आपको फ्री में ट्रीटमेंट करने के लिए राज्य के किसी भी सरकारी या बेसरकारी हॉस्पिटल में आप करा सकते हैं, और राज्य के बाहर अगर है तो 2000 से ज़्यादा अस्पतालों में आपका इलाज हो सकता है। और उसके बाद कारा आवेदन कर सकेंगे इसके लिए, जे परिवार स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं तारा नूतन कार्डेर जुड़ने बी फॉर्म बी आवेदन करबें, परिवार सकल सदस्य आधार कार्ड व खाद्य साथी कार्डे प्रतिलिपि सह, मैंने खाद्य साथी कार्डे प्रतिलिपि सह या आधार कार्ड के द्वारा, राशन कार्ड या आधार कार्ड के जरिए फॉर्म बी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जिसका किसी परिवार का है तो ए के द्वारा कर सकते हैं, और जिसको कैंसिल करना है वो डी के द्वारा कैंसिल कर सकते हैं। मतलब कि जो अब कोई बढ़िया जगह जैसे जॉब पा गए हैं और उसको कैंसिल भी करना है तो डी के द्वारा कैंसिल कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी जो मतलब कि ESI का या किसी सरकारी स्कीम के द्वारा पा रहे हैं वो इसके हकदार नहीं होंगे। इसके विस्तृत जानने के लिए आपको swasthasathi.gov.in पर जा सकते हैं। और कैसे आवेदन करना होगा? आवेदन का या परिवार सकल सदस्य का नाम और ठिकाना सह प्रयोजनीय जो फॉर्म है उसको पूरा करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर रखना पड़ेगा जिससे कब में जिसमें आपका SMS आएगा, और परिवार सकल सदस्य आधार कार्ड या खाद्य साथी कार्ड प्रतिलिपि जमा देना पड़ेगा। ये द्वारे सरकार के द्वारा आपका काम हो रहा है। नेक्स्ट आगे आते हैं, पश्चिम बंग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रकल्प उच्च शिक्षा दफ्तर के द्वारा है। इसमें पश्चिम बंगाल के जो शिक्षार्थी है उसके उज्जवल भविष्य के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च की गई है, जिसमें कम ब्याज पर, बहुत कम ब्याज पर आपको 10 लाख रुपये तक की आपको लोन मिल सकती है। इसमें आपको शर्त क्या रखी गई है, आपको 10 वर्ष तक पश्चिम बंगाल की निवासी रहनी चाहिए, कम से कम भारत का नागरिक हो, और 40 साल मैक्सिमम एज है, और किसी भी सरकार के द्वारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल्स कॉलेज में आपका पढ़ाई हो रही हो या देश विदेश के स्कूलों या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो के योग्य हैं। और साथ ही साथ जो कंपिटीटर है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम लिखाने के लिए जो पैसा लगती है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें क्या है कि आपका आवेदनकारी का आधार कार्ड का जेरस कॉपी या माध्यमिक रजिस्ट्रेशन का जेरस कॉपी रहने से चलेगा। दूसरा है मोबाइल फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी भी रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आवेदनकारी का या माँ बाप का रंगीन फोटो जो होगा वो लगेगा, और आवेदनकारी और उसके बाद जो लोन प्राप्त करेंगे उसका जेरस कॉपी, पेन कार्ड, ये सब पेन कार्ड नहीं भी लेने से चल जाएगा, ठीक है। और अभिभावक का जो माता पिता है गार्जियन का ठिकाना, प्रमाण पत्र सह जेरस कॉपी और मोबाइल फ़ोन नंबर आवेदनकारी ओ सह लोन प्राप्ति करने वाले का बैंक तथ्य, जो बैंक का नाम, शाखा, ये सब अकाउंट डिटेल्स का पासबुक का जेरक्स लगेगा। आवेदनकारी और
लोन प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर लगेगा और शिक्षा प्रतिष्ठान कोर्स फीस संबंधित आपको वो भी जीरोस देना पड़ेगा। जो आप एडमिशन करते हैं तो उसका आपको चार्जेस जो फीसेस लगते हैं उसका जीरोस को भी जमा देना पड़ेगा। शिक्षा प्रतिष्ठान भर्ती प्रमाण पत्र और उसका जीरोस लगेगा। और विषय जानने के लिए आपको www.wb.gov.in पर जा सकते हैं और या तो bangla.rushiksha.wb.gov.in या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड टैब पर क्लिक करने पर आपको wbscc.wbgov.in पर भी देख सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, ईमेल आईडी है, उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तफसीली जाति आदिवासी ओबीसी संसा पत्र के लिए अनग्रसन श्रेणी और कल्याण दफ्तर और आदिवासी उन्नयन दफ्तर से ये जो है आपका जो सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने का भी काम द्वारा सरकार के द्वारा होगा। इसके लिए आपको स्कूल का प्रमाण पत्र जैसे कि एडमिट कार्ड हो सकता है, दूसरा वोटर कार्ड आपका आधार कार्ड होने से चलेगा, और तीसरा है बाबा माने पेरेंट्स के हिसाब से आपका वंश में जो आपका किसी का सर्टिफिकेट है उनका लगेगा, मतलब कि ब्लड रिलेशन से जुड़ा जिस माता पिता के रिलेशन से उनका सर्टिफिकेट किसी का भी होने से, जैसे पापा का आपका या आपके चाचा जी का आपका किसी का होने से ये सर्टिफिकेट तीन नंबर में जो है वो लगेगा। चौथा है विगत तीन वर्ष का आयकर रिटर्न होना चाहिए या वेतन प्रमाण पत्र होना चाहिए, केवल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी वालों के लिए नहीं। और जे कोनो सरकारी या परिचय पत्र फोटोकॉपी या बैंक के पासबुक जे कोनो रहने से भी चल जाएगा। और चौथा आवेदनकारी पासपोर्ट साइज फोटो कोनो कागज पत्र ना थकले आवेदनकारी ग्रहण कोरा होवे और एवं स्थानीय तदंत सुनानी व्यक्तित्व विषय निम्नलिखित होवे। आपको क्या है कि आवेदन ग्रहण किया जाएगा, उसके बाद स्थानीय तथा सुनानी आपका हियरिंग जो होगा उसके बाद आपका देखा जाएगा सर्टिफिकेट बनने के ऊपर। ज़्यादा जानने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं जो कि www.castcertificate.wb.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं, ये भी द्वारा सरकार के द्वारा आपका बनेगा। नेक्स्ट है खाद्य साथी, इसके जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आयन या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्ड संयोजन संशोधन व राशन कार्ड संक्रांत जो कुछ भी आपको चाहिए जैसे कि परिवर्तन करने के लिए जो फॉर्म आपको पूर्ण करना होगा, इसके लिए आपको द्वारा सरकार में ये सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे कि परिवार में किसी सदस्य को डिजिटल राशन कार्ड नहीं है उसके लिए कौन सा फॉर्म चाहिए, और जिसके पास परिवार में किसी सदस्य का डिजिटल कार्ड नहीं है, कुछ लोगों का डिजिटल कार्ड नहीं है तो उसके लिए चार नंबर फॉर्म चाहिए, जैसे कि किसी का नहीं है तीन नंबर फॉर्म, और उसके बाद आपका आवेदनकारी का वयस 5 वर्ष से अधिक होने चाहिए। इसके साथ साथ जो जो है आप देख सकते हैं इसमें, और परिवार में जिसके किसी का राशन कार्ड डिजिटल कुछ लोगों का नहीं है तो फॉर्म 4 फिलअप करना पड़ेगा, और जिसके पास राशन कार्ड में कोई नाम ठिकाना जन्म तारीख में संशोधन करना है तो 5 नंबर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। राशन दुकान या नया मूल्य दुकान परिवर्तन करने के लिए राशन दुकान ही चेंज करने के लिए आपको फॉर्म नंबर 6 फिलअप करना पड़ेगा, और साथ में जो कंडीशन आपको देखना पड़ेगा मृत्यु किसी सदस्य का हो गया है उसके लिए भी आपको फॉर्म 7 फिलअप करना पड़ेगा। विकल्प डिजिटल राशन कार्ड के लिए पाने के लिए आपको 9 नंबर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और भर्तुकीहीन रेशन कार्ड मैंने जनरल कैटेगरी डिजिटल रेशन कार्ड के लिए आपको फॉर्म नंबर 10 फिलअप करना पड़ेगा, और डिजिटल रेशन कार्ड के साथ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए कोनो व्यक्ति जो दता राशन कार्ड साथे आधार एवं मोबाइल नंबर संयुक्त करते चाहें तो भी तीन तार निकटवर्ती कैंपे जीते पारे, इनके लिए भी आप जा सकते हैं। कोनो कार्ड अधिकारी शरीर उपस्थित थकते हुए मैंने आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। ये जो जे सब नाथी प्रयोजन क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, रेशन कार्ड होना चाहिए, रेशन कार्ड धारी आधार कार्ड होना चाहिए 8 नंबर के लिए, ठीक है। जोगाजोग के लिए सकल प्रकार फॉर्म ऑनलाइन एवं ऑफलाइन खाद्य परिषद के कार्यालय व बांग्ला सहायता केंद्रों जमा करा जावे। नेक्स्ट स्कीम है आपका देखते हैं, ये जो स्कीम है आपका शिक्षा श्री है ये है उनके लिए जो बच्चे 1 से 8 क्लास के बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं उनके लिए, क्योंकि 9 से आपका 10 में प्री मैट्रिक है, उसके बाद 11वीं से आपके कॉलेज तक आपका पोस्ट मैट्रिक है स्कॉलरशिप मिलता है। तो इसमें क्या है कि शिक्षा श्री में जो एससी एसटी के छात्र है उनके लिए है 800 रुपये करके महीना दिया जाएगा, माफ करिए 800 रुपये करके दिया जाएगा सालाना। इसके लिए क्या है कारा ये सुविधा पेते पारे सरकारी या सरकार पोषित व स्वीकृत प्राप्त स्कूल में पंचम श्रेणी से है, 5वीं श्रेणी से 8वीं श्रेणी तक होने चाहिए, मैंने गलती से 1 प्राथमिक बोल दिया 1 से
आपका 5 से लेकर 8 क्लास के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए है, और सरकार या सरकारी द्वारा पोषित विद्यालयों में पढ़ते हैं, और राज्य के स्थायी बसिंदा होनी चाहिए, परिवार के वार्षिक आय 2,50,000 से कम होनी चाहिए, केवल मात्र बैंक का सेविंग अकाउंट खोलने से हो जाएगा, उसकी पासबुक का फ्रंट पेज लगेगा, और अन्य कोनो स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करना पड़ेगा, हॉस्टल नहीं रहना पड़ेगा, और परवर्ती क्लास उत्तीर्ण होते हुए आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। की नाती मैंने लगभग डॉक्यूमेंट्स में आपको ज़रूरत है, जैसे कि जाति का संस्था पत्र या जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयकर इनकम सर्टिफिकेट होने चाहिए, बैंक का पासबुक होने चाहिए, आवेदनकारी का पासपोर्ट साइज का फोटो होने चाहिए, और जोगाजोग निजी स्कूल आवेदन करते हुए या विस्तार जानने के लिए www.agrasankalyan.gov.in पर आप देख सकते हैं, या www.adivasikalyan.gov.in पर देख सकते हैं। अब अंतिम है आपका कृषि जमीन के लिए म्यूटेशन को लेकर और जमीन रिकॉर्ड का छोटो खाटा भूल संशोधन के लिए भूमि संस्कार दफ्तर एवं उद्यास्तु प्राण पुण्य शासन दफ्तर के द्वारा है। की परिसेवा देगा ये, जैसे कि रिकॉर्ड प्रीत मालिक या रायता काज थे के सरासरी कहना कृषि जमीन उत्तराधिकार सूत्र पावर पूर्व शुरीर मालिकानाधिक जमीन म्यूटेशन एवं जमीन नातिपोक्त छोटो कोटो छापर भूले संशोधन, जो भी जैसे कि जमीन के मालिक या कृषि जमीन के मालिक होने से उसमें म्यूटेशन करना चाहते हैं नया जमीन के लिए वो हो सकता है, या उसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। कारा ये सुविधा पावन कौन इसका सुविधा पर पश्चिम बंगाल के निवासी और उसका मालिक होना चाहिए जमीन का, और की डॉक्यूमेंट्स लगेगा रजिस्टर्ड दलील कॉपी दलील का जेरस कॉपी लगेगा, आधार कार्ड का कॉपी लगेगा, म्यूटेशन के लिए घोषणा पत्र जो होता है वो लगेगा, कृषि जमीन केवल मात्र कृषि कार्य जोड़ने व्यवहारित तो होवे, और यही फॉर्म में घोषणा मतलब कृषि जमीन अब ले रहे हैं तो कृषि के लिए ही अब कर सकते हैं, घर बनाने के लिए नहीं हो सकता है। 5वीं है म्यूटेशन के लिए पेश कोरा दलील थी जाल अथवा विकृत नए, जो म्यूटेशन के लिए पेश करने के लिए जो दलील आप पेश करिएगा वो नकली नहीं होनी चाहिए, एक फॉर्म चाहिए, उसका एक फॉर्म है वो भरना है। उत्तराधिकार सूत्र पावर जमीन म्यूटेशन जो ने आयनी उत्तराधिकार संक्रांत सर्टिफिकेट कॉपी लगेगा, जमीन मृत मालिक या रायते डेट सर्टिफिकेट कॉपी, आयने उत्तराधिकार आधार कार्ड कॉपी, आपका जैसे किसी का मालिकाना जो था मर गए हैं उसका डेट सर्टिफिकेट लगेगा, और आयन के अनुसार जो उत्तराधिकार है उसका संक्रांत सर्टिफिकेट कॉपी लगेगा, और आयने जो उत्तराधिकार आधार कार्ड का कॉपी लगेगा। जमीन रिकॉर्ड छोटो खोटो भूल संशोधन जोड़ने क्या लगेगा, खतियान जे संशोधित होवे तार संश्लिष्ट दलील कॉपी लगेगा, आधार कार्ड या वोटर कार्ड लगेगा। ठीक है, जोगाजोग करने के लिए द्वारे सरकार शिविर अथवा संश्लिष्ट BLLRO ऑफिस में भी जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जोड़ना https://banglabhumi.gov.in पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने आपको पूरे योजनाओं के बारे में बतलाने की कोशिश किया है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए द्वारे सरकार गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी देख सकते हैं स्कीम के बारे में और उसकी फ़ायदा के बारे में। और आपको मैंने पूरा प्रथम आपको यह वीडियो मिलेगी जो हिंदी में आपको समझाने के लिए प्रस्तुत किया गया हो, और आपको अगर मेरे ये सर्विस अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर आप मेरे चैनल में इस तरह के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर यह आपको मेरी द्वारा प्रस्तुत सेवा अच्छी लगी हो तो लाइक, और अपने इस महत्वपूर्ण जानकारी को दूसरे में जरूर से जरूर जानकारी देने के लिए शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।